पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी मामले में राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी कोलकाता स्थित ईडी दफ्तर में पेश हुए। 30 अगस्त को ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया था। ईडी की टीम बनर्जी से काफी देर तक पूछताछ की है और कोयला तस्करी मामले में पहले भी उनसे कई बार पूछताछ की जा चुकी है। अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। अभिषेक बनर्जी सुबह करीब 11 बजे कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। इससे पहले गुरुवार की रात दिल्ली से 5 ईडी अफसरों की टीम उनसे पूछताछ के लिए कोलकाता पहुंची। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। बंगाल में कथित कोयला चोरी के मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को 2 सितंबर को पूछताछ के लिए तलब किया था। अभिषेक को पूछताछकर्ताओं की एक टीम के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने डायमंड हार्बर सांसद से मार्च में अपने मुख्यालय में करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी। इस बार अभिषेक से कोलकाता में पूछताछ की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मई में अभिषेक की एक याचिका के बाद ईडी को निर्देश दिया था कि केंद्रीय एजेंसी दिल्ली के बजाय कोलकाता में सांसद और उनकी पत्नी रुजीरा से पूछताछ कर सकती है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के वरिष्ठ नेता से पूछताछ को देखते हुए सीजीओ कॉम्प्लेक्स के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बनर्जी से इस केस को लेकर कई बार पूछताछ हो चुकी है। उनके निवास पर भी ईडी ने छापा मारा था। ईडी पिछले कई महीनों से बंगाल में कोयला के अवैध खनन और तस्करी के मामलों की जांच कर रही है। दरअसल आसनसोल के निकट कुनस्तोरिया और कजोरा इलाके में ईस्टर्न कोल फील्ड्स की पट्टों पर दी गई खदानों में कोयले का अवैध खनन किया गया था। सीबीआई ने इस मामले में 27 नवंबर 2020 को ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के कई अफसरों, कोयला तस्करी का मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला, टीएमसी नेता विनय मिश्रा, सीआईएसएफ और रेलवे के अज्ञात अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने इससे पहले भी अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी से भी पूछताछ की थी। रुचिरा बनर्जी से 5.5 घंटे हुई पूछताछ में उनसे उनके 2 बैंक खातों के बारे में सवाल किए गए थे और बयान भी रिकॉर्ड किया गया था। ईडी ने दावा किया है कि कोयला तस्करी में अब तक 1300 करोड़ रुपए के आर्थिक लेनदेन का पता चला है। तस्करी से होने वाली काली कमाई का एक मोटा हिस्सा बहुत से लोगों तक पहुंचता था। हवाला के जरिए उनके विदेशी बैंक खातों में ये रुपए जमा होते थे। ईडी के इस लेनदेन के सूत्र अभिषेक रुजिरा से जुड़े हुए हैं। इसमें रुजिरा का बैंकॉक में एक बैंक खाता भी शामिल है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।